जिंदगी का एक ऐसा घटना जो हर व्यक्ति के जीवन में आती है, जिसे हर व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी माना गया है। नर से लेकर नारायण तक इस घटना से कभी कोई बचा नहीं है। हाँ, बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे और बहुत कम ऐसे देवता हैं जो जीवन में इस घटना से दूर रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शादी ब्याह का। दोस्तों शादी ब्याह मनुष्य के जीवन का एक बहुत बड़ा घटना है, जो हर मनुष्य के जीवन में समय का साथ घट ही जाता है। शादी ब्याह ही मनुष्य जीवन का शुरुआत माना गया है। दोस्तों आगे का वीडियो शुरू करने से पहले छोटा रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरा वीडियो को जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं आगे का वीडियो। दोस्तों हमारे हिंदू समाज में शादी के लिए कई रस्म और कई कर्तव्य होते हैं, जिसे एक एक कर पूरा करने के बाद शादी पूरा होता है। इन्हीं में से पहला रस्म है बटगमनी, जिसे छेका भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, लड़का हो या लड़की, शादी का रस्म शुरू होने से 10 दिन या 10 महीने पहले कभी भी ये छेका या बटगमनी होती है। इस बटगमनी से ही लड़का लड़की का रिश्ता पक्का समझा जाता है, ये मान्यता है हमारे समाज में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बटगमनी के लिए बस शगुन के रूप में फल फूल और मिठाई को एक बांस से बना छोटा, जिसे हम लोग दौरा कहते हैं, इस छोटे से टोकरी में डालकर लाल कपड़ा से ढककर ले जाने का हमारे यहाँ रस्म होता है। और एक जोड़ा वस्त्र, पैरों के लिए जूते चप्पल आदि पर्याप्त हैं, बाकी कुछ दे ना दे मर्जी का बात है। तो इस तरह से शगुन लेकर के लड़का हो या लड़की के दरबार में पहुंचते हैं, और जो आप देख रहे हैं इस तरह से शुरू होता है हमारा बटगमनी का कार्यक्रम। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि लड़की किस तरह से चल करके आ रही है, हाथ में एक लोटा पर पानी लिए, जिस पर कलश है मतलब आम का पल्ला रखा हुआ है, और उसे अपनों द्वारा, अपने सगे संबंधी द्वारा उसे मंडप पर लाया जा रहा है। और वो जैसे ही मंडप पर आएंगे तो तीनों दिशाओं में प्रणाम करके वो इस तरह से बैठ जाएंगे। ये हमारे यहाँ का रीत है। तो इस तरह से बैठने के बाद उसे उसका परिचय पूछा जाएगा, जो हमारे समाज के नियम में आते हैं। वैसे तो हर जगह पूछता नहीं है, पर पूछना ज़रूरी होता है। वर्षों से ऐसा इस तरह का पूछने का एक रिवाज आ चला है, तो इस रिवाज अनुसार इसे अब इसका परिचय पूछा जाएंगे। नाम, पिताजी का नाम आदि से इसका परिचय पूछा जाएंगे, तो इससे क्या होता है कि इसके बोलने का तौर तरीके को भी मालूम होता है, और इसके परिवारजन का कम से कम 3 पुश्ते में जो आते हैं उनके नाम भी खुल जाते हैं, कितना पढ़े हैं वो भी पूछ लेते हैं आजकल। तो इस तरह से जब ये पूछने का कार्यक्रम समाप्त होता है, शगुन के रूप में लाया गया वो टोकरी जो फल फूल से भरा है या कपड़े लत्ते हैं, उसे लड़की का आगे में रखा जाता है, जो आप देख ही रहे हैं, जो शगुन के रूप में लाया गया था उसे लड़की कहे या दुल्हन कहे, उसका आगे में रखा जाता है। और जो लड़का का मूल गार्जियन है, बाप हो या भाई हो, तो उसके द्वारा सबसे प्रथम में शगुन के रूप में दुल्हन का हाथों में कुछ नगद दिया जाता है। इसके अलावा अर्थात लड़के का घरमूली का जब इस तरह से शगुन दिया जाता है, इसके बाद ही दूसरा कोई जो
साथ में जितने भी मेहमान आए हुए हैं सभी एक एक करके इस तरह से शगुन के रूप में पैसे अर्थात नगद को देंगे। यही हमारे यहाँ का रिवाज है और बडगमनी में अक्सर आम आदमियों द्वारा कुछ वस्त्र नहीं दिया जाता, केवल नगद ही दिया जाता है। तो आप देख ही सकते हैं जो बडगमनी करने के लिए अर्थात छेका करने के लिए आए हुए हैं जितने भी मेहमान हैं हर कोई इच्छा शक्ति अनुसार नगद दुल्हन का हाथों में देंगे। तो इस तरह से बारी बारी से हर कोई नगद को रख रहे हैं, वो आप देख ही चुके हैं। यही हमारे यहाँ का रस्म है। वैसे दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि पहले ये बडगमनी अर्थात कुछ साल पहले ये बडगमनी जो होता था सूर्यास्त से पहले किया जाता था, मगर अब समय में परिवर्तन आ चुका है, समाज में परिवर्तन आ चुका है, जिसका वजह से अब ये धीरे धीरे सूर्यास्त से थोड़ा अंदर पहुँच चुका है। कोई सूर्यास्त का समय करने लगा है, कोई सूर्यास्त का आधा एक घंटा बाद करने लगा है। इस तरह से अब ये इस तरह का कार्यक्रम को करने लगा है। और दोस्तों आपको खास करके बडगमनी का विशेष उद्देश्य ये होता है कि बडगमनी करने के बाद आदमी का रूप में जिस तरह से किसी चीज़ को एक प्रमाणित किया जाता है कि ये फलाना कंपनी का है, उसी तरह से बडगमनी करने के बाद लड़का लड़की में एक तरह का लेबल लग जाता है कि वो अब एक दूसरे के लिए प्रमाणित हो चुका है। यही मान्यता है और इसी मान्यता के लिए हर कर कुटुंब लड़के वाला हो तो लड़का का बडगमनी करना चाहेगा और लड़का वाला हो तो लड़की का बडगमनी करके एक अष्टांग के रूप में प्रमाण छोड़ना चाहता है। यही इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य रहा है, जिसे आप लोगों ने फिल्मों में देखे होंगे। हमारे समाज में जिसे बडगमनी और छेका कहते हैं उसे ही एंगेजमेंट कहा जाता है। भले ही दोनों का और तरीका अलग हो, मगर हमारे यहाँ इस तरह से होता है। और फिल्मों में आप देखे होंगे अंगूठी पहना करके एंगेजमेंट किया जाता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे बडगमनी का, जो शगुन के रूप में जो नगद दिया जाता है, ये जितने भी हो अर्थात बडगमनी करने के लिए आए हुए हर मेहमान इस तरह से एक एक करके शगुन के रूप में केवल नगद ही देते हैं। आप कोई कोई आपको आम का पल्ले से पानी भी छिड़कते हैं, कोई कोई ऐसे ही बिना पानी छिड़क के ही आ जाते हैं, जिसे जो अच्छा लगे उस तरह से करते हैं। तो इस तरह से सभी लोग जब नगद दे करके जब ये कार्यक्रम समाप्त होता है तो फिर दुल्हन को जिस तरह से दुल्हन आकर के बैठी थी फिर उसी तरह से खड़े होकर के चारों प्रणाम करके फिर घर को जाती है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये बडगमनी बिहार राज्य के अररिया जिले अंतर्गत सिकटी प्रखंड के खोरागाछ गांव के हैं। और यहां जो बडगमनी करने के लिए आए हैं अर्थात लड़का तरफ से, वो नेपाल के प्रदेश नंबर एक मोरंग जिले के रंगेली नगर पालिका अंतर्गत के दुल्हा का है, जो दुल्हन के यहां आपको बता चुके अररिया जिले के सिकटी प्रखंड के खोरागाछ ग्राम से हैं। तो हमारे जो बॉर्डर एरिया का जो है वो लगभग एक जैसा संस्कार, एक जैसा रीति रिवाज होने का कारण और एक बरादरी के लोग होने का कारण से नेपाल हो या इंडिया बिल्कुल एक जैसा रस्म होता है। तो इस तरह से बडगमनी का रस्म पूरा होने के बाद आप देख रहे हैं भोजन कराया जाता है और भोजन में दाल भात के साथ मीट मछली एवं अंत में दही को खुआ करके हर रस्म को सही किया जाता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो कमेंट में अवश्य लिखें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।